हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही हो गए। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं एविल एसएमपी में, एंड आज हम बनाने वाले हैं एविल एसएमपी में घर दोबारा से तिब्बारा से जितना बार होगा सब बार, क्योंकि बिंदु भी ने फिर से घर तोड़ दिया उस एसएमपी में जो हमने नया बनाया था। तो अभी चलते हैं, हम घर बनाते हैं, क्वार्ट्ज का बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी से एक प्लेटफॉर्म पहले बनाएंगे हम, तो एक इतने ब्लॉक का प्लेटफॉर्म होगा, एक रॉयल रूम लगना चाहिए, ठीक है। एंड केल्प से भी बनाएंगे, ड्राइड केल्प से। तो इधर एक आ गया, तो ये सोचते हैं ना यहाँ पे भी बना लेते हैं प्लेटफॉर्म, मतलब एक ब्लॉक इधर एक्सटेंड कर देते हैं। तो जल्दी जल्दी से ऐसे करके पूरा हम कर लेते हैं, एंड इधर भी पहले दो डाल देते हैं, एंड देन उसके बाद इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड हो गया, अभी हम जल्दी से इसको और आगे कर दिए, और इधर भी और आगे करेंगे। एंड जब इसके लेवल पे आ गया है तो जल्दी से वहाँ पे जॉम्बी मर गया धूप से। तो इधर यहाँ पे पूरा हो गया, एक एक क्या बोलते हैं यार, एक बाउंड्री कंप्लीट हो गया। तो मतलब एक प्लेटफॉर्म पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि भाई उतना टाइम लग जाता। तो अभी क्या बनाते हैं, अभी बॉर्डर बनाते हैं, क्योंकि बॉर्डर बनाएंगे ना, तो मतलब बॉर्डर बोल रहा हूँ, ये पिलर बनाते हैं, सॉरी गलती से हो गया। तो पिलर बनाते हैं, एंड पिलर का डिज़ाइन तो अभी अच्छा दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा है, तो बाद में हम चेंज करते हैं। एक मिनट, पहले हम नीचे देख लेते हैं चारों बना के, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे एक और ये कंप्लीट हो गया पिलर, और देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर देते हैं। और मैंने इसको चेंज करके ऐसे कर दिया, मतलब देख सकते हो क्या ही मस्त डिज़ाइन है। तो यहाँ पे अब हम ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज से इधर एक आउटलाइन जैसा बना लेंगे। तो यहाँ पे भी ऊपर में बन गया, और अब इस साइड बनाने वाले हैं। तो इधर और ब्लॉक्स ख़त्म होने वाला है, तो ब्लॉक्स लेके मिलता हूँ। और मैं ब्लॉक्स लेके मिल चुका हूँ, मतलब इतना जल्दी जल्दी कट हो रहा है ना, क्योंकि ये देखो भाई मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया। इतना जल्दी जल्दी कट हो रहा है क्योंकि मैं क्या ही बोलूँ यार, बहुत लंबा वीडियो है, इसको कट करना पड़ा। तो यहाँ पे एसजी गेमर ज्वाइन कर रहा है, एंड चलो यहाँ पे हम एक ऊपर से क्वार्ट्ज डाल देते हैं जो केल्प अंदर से ना दिखे। एंड ये एक मतलब परफेक्ट सर्कल नहीं, जैसे देख सकते हो सर्कल जैसे बन चुका था। तो यहाँ पे हम इसको क्वार्ट्ज से कंप्लीट करते हैं छत, एंड जल्दी जल्दी से करते हैं। इधर मैं गिर गया नीचे, एंड नीचे से ही कर लेते हैं पूरा। तो मैंने लगभग भाई ये गलती हो गया यार, ये भी भाई क्या हो रहा है, इसको जल्दी से तोड़ते हैं एंड लगा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो फिर भी ने बोला है लॉर्ड, तो क्या हुआ, मतलब मैंने उसको पूछा है, आप लोगों ने पूछा, मैंने भी डबल करने की वीडियो देखी और वैसा किया 3 बार, कुछ नहीं हुआ। हाँ भाई डुप्लीकेशन ग्लिच का दिखाते हैं ना भाई, बहुत बेकार यार, कोई वर्क ही नहीं करता। मेरे टाइम में एक दो बार वर्क किया, फिर नहीं कर रहा है। तो अभी तो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ पूरा। तो छत एक तरह से मतलब बाकी है थोड़ा सा, लेकिन ये भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी करके इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, एंड छत कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करते हैं कि ऐसे हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, तो इसके लिए नीचे से हम क्वार्ट्ज कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे एक इधर भी बन गया यार, मैं क्या करते रहता हूँ। ओके मैंने तोड़ दिया, क्या 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 होते रहता है, छोड़ो इस बात पे ध्यान नहीं देते। और मैंने पूरा कवर दिया है घर को कंप्लीट, ठीक है। अब ये सैंड हटा देते हैं यहाँ से, एंड बेड भी बाहर से आके लगाना है, लेकिन मैंने एक गैप छोड़ा है केल्प के बीच में, ठीक है। ये कौन है भाई, ये देख सकते हो केल्प, देख सकते हो भाई ये कौन है, ऐसे करके घर देख रहा है। एक सेकेंड देखते हैं, इसको मार के देखते हैं एक बार, आग लग गया भाई। ओ ये गेमिंग गैंग जीजी है, तो न्यू मेंबर है, तो
तो हम जल्दी से सैंड लेके आते हैं। और मैंने सैंड ला लिया है, 38 सैंड लाया है, मतलब थोड़ा सा पहले से था एंड थोड़ा सा अभी मैंने ला लिया है। इसको हम फर्नेस में डालते हैं, इधर से स्टोन और कोल निकाल लेते हैं, क्योंकि हम किसी दूसरे का फ्यूल नहीं यूज़ करेंगे जब हमारे अपने पास बहुत सारा फ्यूल है। तो इसमें रख देते हैं स्टोन और कोल एंड फिर से दूसरे फर्नेस से भी निकाल लेते हैं, से आधा आधा ने बोलेंगे थोड़ा सा निकाल लेते हैं एंड हाँ इस फर्नेस से निकाल लेते हैं कोल एंड सैंड भी रख देते हैं। तो इधर हमने रख दिया ये कोल, ओके भी इसमें मैं स्टेयर निकाल लेता हूँ। भाई ये कौन यार, क्रीपर, क्रीपर ने भी मुश्किल ही कर रखा है यार, पर अभी दोबारा लगाना पड़ेगा डर्ट। तो चलो दोबारा लगाने के काम में जुड़ जाते हैं, लेकिन मेरा नेट लैग हो रहा है यार इतना, मैं इसको लगा भी नहीं पाता। तो जल्दी से डर्ट तोड़, मतलब टूटा हुआ जो, तो उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो एंड डर्ट निकालते हैं, बनाना चालू करते हैं यहाँ से। भाई यार फिर क्रीप यार, इनको चैन नहीं मिलता क्या? और मेरा देखो अभी मैंने कर दिया है उतना, मैंने ये पार्ट काटा ठीक है, अच्छा ही हुआ, क्योंकि भाई इतना टाइम लग रहा था ना, मतलब हाँ कंप्लीट करने में नहीं, लेकिन भाई उधर से डर्ट भी तो तोड़ना था, एक ही बार में थोड़ी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से जल्दी से सैंड को पकने के लिए डाल देते हैं, मतलब पक रहा था लेकिन मैंने इसको निकाल लिया, भाई गलती से निकल गया, मैं वहाँ पे कैल्प पे क्लिक कर रहा था, गलती से निकल गया। इधर भी अब नहीं है तो डाल ही देते हैं इसको एंड इसको एंड इसको निकाल लेते हैं। अभी हम सबसे पहले ग्लास को ग्लास पेन में कन्वर्ट करके लाते हैं। तो हमने ग्लास को ग्लास पेन में कन्वर्ट कर लिया है, 17 ग्लास पेन है हमारे पास एंड एक स्टैक और है, मतलब एक स्टैक और 17 है एंड यहाँ पे 8 ग्लास हो चुका है अपने पास। तो जल्दी से चलते हैं एंड घर को अपने कंप्लीट करते हैं। मेरा घर एकदम रॉयल जैसा दिख रहा है, बस इसमें कुछ चेंजेस करना बाकी है, जैसे टॉर्च, बेड, चेस्ट, ये सब लगाना बाकी है, तो ये सब भी लगा देंगे। बाकी मैं सर्वर के बाहर भी, मतलब सर्वर के बाहर नहीं, SMP के बाहर भी बनाने वाला हूँ एक घर, उसका भी वीडियो आएगा। और आज मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, संडे है तो क्योंकि भाई अगर SMP में रहेगा वार होगी, टूटेगा ठीक है, तो इसीलिए हम SMP के बाहर भी घर बनाएंगे, जिससे घर ना टूटे, मतलब घर तो टूटेगा SMP वाला, लेकिन हमारा जो SMP के बाहर रहेगा वो नहीं टूटेगा। तो एक तरह से घर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ग्लास हमने लगा दिया है एंड अभी तो कुछ लगाना, हाँ टॉर्च लगाना बाकी है, तो टॉर्च लगा देते हैं यहाँ पे कोना कोना में लगा देते हैं, हम देख सकते हो अभी भी थोड़ा सा अंधेरा है, तो बाहर से बेड और टॉर्च दोनों तोड़ के लाते हैं, तो लगा देते हैं यहाँ पे घर पे, रोशनी थोड़ा सा हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ जहाँ पे मेरा बेड था। अरे यार मैंने ये गलती से तोड़ लिया, इसको नहीं तोड़ना क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, तो फिर मॉब्स स्पॉन होंगे, मॉब्स स्पॉन होंगे तो मैं सो नहीं पाऊँगा। तो ये इसके साथ ये टॉर्च भी कलेक्ट कर लेते हैं एंड चलते हैं घर, घर में लगाते हैं। तो मेरे पास ये 210 XP उसी XP फार्म से आया, तुम लोग को विश्वास नहीं होता, मैं दिला दूंगा विश्वास, भाई बहुत ही मस्त काम करता है, तुम जब उसके पास आओगे तभी काम करेगा, लेकिन बहुत बढ़िया काम करता है। तुम अगर उसके पास AF के खड़े रहो, मतलब तुम अगर सर्वर से चले जाओ ना, तो वो काम नहीं करेगा और वो टूट भी जाएगा, क्यों पता नहीं भाई, मैंने कल ही देखा 2-3 बार कल मेरा टूट गया, तो मैंने 2-3 और XP फार्म बना लिया, उसी से पूरा मैंने ये XP बढ़ लिया और पूरा एकदम अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और